मुंडावर कस्बा स्थित खौरी मोहल्ले में खंडहरनुमा भवन के पीछे झाड़ियों में लहूलुहान हालत में नवजात बच्ची मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने बच्ची को तुरंत अस्पताल भिजवाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे में सोमवार सुबह को मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्ची को जन्म के तुरंत बाद लहूलुहान अवस्था में कटीली झाड़ियों में फेंक दिया गया। बच्ची मिलने की सूचना पर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना पुलिस ASI रविंद्र यादव ने बताया कि सुबह करीब 9:30 बजे गांव के सरपंच प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज व देवेंद्र यादव ने पुलिस को सूचना दी कि खौरी मोहल्ले में खंडहरनुमा भवन के पीछे कटीली झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। झाड़ियों के अंदर देखा तो एक जिंदा बच्ची लहूलुहान अवस्था में रो रही थी, कांटों की वजह से खून में लथपथ थी। रोने की आवाज आने पर आसपास के लोग पहुंचे और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए, उसके कांटे निकाले गए। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर दिया और बच्ची को स्वस्थ बताया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के बारे में चाइल्ड केयर के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। गांव के लोगों ने बताया कि बच्ची की स्थिति देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची का जन्म सोमवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच में हुआ है, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। देखो, आज सुबह करीबन 9:30 बजे श्री सोनू भारद्वाज सरपंच प्रतिनिधि सुबह कस्बे के कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सूचना मिली कि कस्बे में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीछे खंड पर रह जाएगा 12 छतरी, वहाँ कोई नवजात बच्ची है जो जीवित है। इस इतला पर हम तुरंत पहुँचे, बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बच्ची जीवित है, स्वस्थ है, उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, जिसकी देख रेख है तो चाइल्ड केयर केयर अवर से संपर्क किया गया। वहाँ के अधिकारी भी मौके पर पहुँच रहे हैं, बच्ची को देख रेख के लिए ले जाएं, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जिस प्रकार से इस प्रकार जो भी कृत किया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कस्बे वाले सरपंच साहब का, इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय जो विलम्ब हो जाते तो शायद बच्चे जीवित नहीं मिलते।